हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू लर्न ओ मेनिया। तो आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड HVAC क्विज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला MCQ देखते हैं। द फर्स्ट MCQ इज विच प्रोसेस डिक्रीजेस द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर हवा का कम होगा लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होगा लेकिन जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रोसेस इनमें से कौन सा है जिसके जरिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होता है? द आंसर इज ऑप्शन बी, सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, सेंसिबल कूलिंग जब करेंगे हवा को तो हवा का ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होगा लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर कोई असर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड X इन द फैन कॉइल यूनिट। देखिए ये FCU है, ये फैन कॉइल यूनिट है। ये फैन कॉइल यूनिट में ये जो यहां पर पार्ट मार्क्ड है X, ये पार्ट को क्या कहते हैं? द नेम ऑफ दिस पार्ट X इज आस्क्ड, इस पार्ट को इनमें से क्या कहा जाता है? द आंसर इज, कैन यू गेस प्लीज, द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, इसको कहते हैं फैन स्क्रॉल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ, नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। ये फिगर में ये जो इंस्ट्रूमेंट बताए हुए हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनका नाम पूछा हुआ है। ठीक है, एनी गेस प्लीज, द आंसर इज ऑप्शन बी, इनको कहते हैं जेनी कैलिबर। ठीक है, ये जेनी कैलिबर है, ये मार्किंग वगैरह के टाइम पर काम आते हैं। इसके जो लेग्स हैं, एक लेग पॉइंटेड होगा, शार्प पॉइंट होगी उस लेग के ऊपर, और दूसरा जो लेग है वो अलग अलग शेप का रहता है डेटम को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है जेनी कैलिपर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर। अगर सपोजिंग सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर जो सपोजिंग, चलिए फॉरवर्ड कर्व ब्लेड वाला सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर ले लेते हैं, तो उसमें हवा का डायरेक्शन कैसा होता है? जो इंपेलर का या मोटर का शाफ्ट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप चाहिए तो मेरी फैन एंड ब्लोवर की वीडियो देख सकते हैं, अगर शाफ्ट एक डायरेक्शन में होगा तो एयर का फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर में। ठीक है, तो आंसर आप यहां पर देख सकते हैं, आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, मतलब मोटर का शाफ्ट या फैन ब्लेड का शाफ्ट, ब्लोअर का शाफ्ट, उसे परपेंडिकुलर होता है एयर फ्लो का डायरेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ, दिस फिगर शोज अ पाइप वाइज, नेम द पार्ट मार्क्ड 3 इन द फिगर। ये पाइप वाइज है, पाइप वगैरह को पकड़ने के लिए काम करने के वक्त, तो इसमें जो ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं इनमें से? कैन यू गेस प्लीज, द थर्ड पार्ट का नेम इज मूवेबल जॉ, ऑप्शन सी, इसको कहा जाता है मूवेबल जॉ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड X इन अ फैन मोटर। ये फैन मोटर है, फैन मोटर का क्रॉस सेक्शन यहां बताया हुआ है। यहां पर ये जो पार्ट ए है, यहां पर से फॉर एग्जाम्पल स्टेटर की वाइंडिंग है और ये रोटर है यहां पर, तो यहां पर ये जो पार्ट X है, ये X पार्ट का नाम पूछा हुआ है, एनी गेस प्लीज। ठीक है, इनमें से इस पार्ट को, ये पार्ट X को कहते हैं ऑयल कप। ठीक है, ये ऑयलिंग वगैरह करने काम आता है ऑयल कप। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ है, चेन पाइप वाइज कैन होल्ड पाइप्स अप टू डायामीटर ऑफ -mm। ये चेन पाइप वाइज है, यहां पर ये डायग्राम में ये पूरी चेन पाइप वाइज है जिससे पाइप वगैरह पकड़ सकते हैं हम, तो ये जो चेन पाइप वाइज है ये बड़े से बड़ा कितने पाइप का डायामीटर होल्ड कर सकते हैं हम इसमें? द आंसर ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, द आंसर इज ऑप्शन डी,
200 mm तक का पाइप जो है, यानी 8 इंच तक का पाइप, 200 mm तक का पाइप हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड X इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैकेनिज्म है यहां पर, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैकेनिज्म में ये जो पार्ट है यहां पर, ठीक है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कट आउट करता है, ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, द आंसर आउट ऑफ ABCD, द आंसर इज कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट पॉइंट, और यही स्विचिंग मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स तोड़ता है मोटर की स्पीड पिकअप होने के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट MCQ, काउंटर सिंकिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ डैश द एंड ऑफ ड्रिल्ड होल विथ काउंटर सिंकिंग टूल। देखिए ये काउंटर सिंकिंग टूल है, यहां पर आगे उसके कटिंग टीथ है। जब हम होल ड्रिल करते हैं, होल ड्रिल करने के बाद स्क्रू को बराबर से बिठाने के लिए ड्रिल होल के सरफेस पे ये किया जाता है, ड्रिल होल के सरफेस को थोड़ा कॉनिकल शेप दिया जाता है ऊपर की तरफ। तो उस प्रोसेस को जो काउंटर सिंकिंग टूल से हम करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है बिवेलिंग करना, एज को बिवेल करना, जो काउंटर सिंकिंग टूल से किया जाता है ताकि स्क्रू का जो हेड है, स्क्रू का हेड उसके अंदर बराबर बैठ जाए बिवेल एज के अंदर, और ऊपर स्क्रू का हेड जो है वो नड़े नहीं। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बिवेलिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड फॉर अ टेम्परेचर रेंज इन सिलेक्टिंग अ लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल सिलेक्ट करने के टाइम पर कॉम्प्रेसर के लिए टेम्परेचर रेंज को देखते हुए, टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, या टेम्परेचर का इफेक्ट उस प्रॉपर्टी पे हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को ध्यान में रखकर लुब्रिकेटिंग ऑयल की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, द आंसर इज विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी मतलब एक तरीका गाढ़ापन। ठीक है, ये गाढ़ापन जो है ये टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकता है, ज्यादा टेम्परेचर पर ऑयल की विस्कोसिटी कम हो सकती है, कम गाढ़ा बन जाएगा ऑयल, लो टेम्परेचर पर ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑयल गाढ़ा हो जाएगा। तो टेम्परेचर रेंज को ध्यान में रखते हुए विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट MCQ है, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग अ होल अप टू अ गिवन डेप्थ यूजिंग काउंटर बोर्स इज कॉल्ड एज काउंटर बोरिंग। देखिए ये काउंटर बोरिंग टूल है, यहां पर जो ड्रिल होल है, पहले से जो ड्रिल होल है उसके ऊपर की तरफ, उसके कुछ डेप्थ तक, कुछ गहराई तक, उसके मुंह को चौड़ा करने के लिए ये काउंटर बोरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ डेप्थ तक सिर्फ ड्रिल होल को चौड़ा करने के लिए, कुछ हद तक। ठीक है, तो ये है काउंटर बोरिंग और ये है काउंटर बोर टूल। अब इस टूल के आगे, काउंटर बोर के आगे क्वेश्चन है, What is provided on the counter bores to guide the tool through a hole and avoid chattering? ये टूल को, काउंटर बोर को बराबर होल में गाइड करने के लिए, ताकि वो चैटर ना करे, मतलब आवाज ना करे, वो कांपे नहीं। ठीक है, बराबर टूल, काउंटर बोर टूल जो है बराबर काउंटर बोरिंग करे, इसके लिए आगे, इसके आगे क्या दिया हुआ रहता है, क्या दिया जाता है काउंटर बोर टूल के आगे, ये क्वेश्चन है। तो इस हिस्से को, जो काउंटर बोर टूल के आगे ये जो हिस्सा दिख रहा है, उस हिस्से को हम इसमें से क्या कहते हैं। द आंसर इज पायलट। ठीक है, ये पायलट दिया रहता है ताकि काउंटर बोर जो टूल है वो आसानी से काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करे, टूल कांपेगा नहीं काउंटर बोरिंग के टाइम पे, या आवाज नहीं करेगा, टूल में से आवाज नहीं आएगी घिसावट की।
ठीक है, कंपन कम हो जाएगी टूल की, बराबर से काउंटर बोरिंग होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन AHU। ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट दिख रहा है, ये एयर हैंडलिंग यूनिट में ये जो पार्ट मार्क्ड है एक्स, ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं इनमें से, ठीक है। कैन यू गेस द आंसर प्लीज। द आंसर इज कूलिंग कॉइल। ये है कूलिंग कॉइल जो AHU के अंदर होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट MCQ, द एजेस ऑफ शीट मेटल आर फोल्डेड टू अवॉइड शार्प एजेस एंड टू गिव अ गुड अपियरेंस। जब हम पतरे के ऊपर काम करते हैं, मेटल के पतरे के ऊपर, तो उसकी एजेस को हम फोल्ड कर देते हैं ताकि एजेस अच्छी भी लगे और वो किसी को लगे भी नहीं, उसकी शार्पनेस कम हो जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पतरे के एज को फोल्ड करने का, इस प्रोसेस का यहां पर नाम पूछा हुआ है कि इसको क्या कहा जाता है जो हम मार के पतरे को फोल्ड करते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, ठीक है। आंसर ABCD में से ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसको हेम कहा जाता है ये फोल्ड को। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच डिवाइस कंट्रोल्स द एयर फ्लो इन डक्टिंग सिस्टम। डक्ट के अंदर एयर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसमें से क्या यूज किया जाता है। कैन यू गेस प्लीज। द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, डैम्पर यूज करते हैं डक्टिंग वर्क के अंदर एयर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, एयर के फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ, टैप्स आर यूज टू कट इंटरनल थ्रेड्स ऑन अ जॉब, ठीक है। कोई जॉब के अंदरूनी तरफ, मेटल के जॉब के अंदरूनी तरफ अगर आपको आटे मारने हैं, ठीक है, आपको थ्रेडिंग वर्क करना है, तो जो टैप्स यूज किए जाते हैं वो तीन कैटेगरी के रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप। अब यहां पूछा हुआ है द फर्स्ट टैप यूज टू स्टार्ट द टैपिंग प्रोसेस। टैपिंग मतलब चूड़ी काटने का जो प्रोसेस होता है, थ्रेडिंग वर्क करने का जो प्रोसेस होता है, उसको टैपिंग कहते हैं। तो जो पहला टैप यूज किया जाता है टैपिंग करने के लिए, हैज हाउ मेनी टीथ टेपर्ड ऑफ। तो पहले टैप में आगे से कितनी टीथ, ठीक है, उसके कितने टीथ जो होते हैं वो टेपर बना दिए जाते हैं, ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन ए, 8 to 9 टीथ। जो फर्स्ट टैप होता है उसके आगे से 8 से 10 टीथ को ब्लंट किया रहता है ताकि वो बराबर ड्रिल होल के अंदर घुस के बराबर से होल को पकड़े, ताकि बाकी के थ्रेड जो है वो चूड़ी काट पाए, वो थ्रेडिंग कर पाए। तो पहले टैप में 8 से 10 आगे के टीथ ब्लंट होते हैं। द आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट MCQ है 16th one, व्हाट इज फेनोथर्म, ठीक है। इनमें से फेनोथर्म क्या है। फेनोथर्म एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है। The answer is option B. Phenotherm एक तरह का insulating material है जो insulation के लिए काम आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। next हमारा next MCQ, what is the wet bulb temperature of air if dry bulb temperature is 35 degree। dry bulb temperature कितना है 35 degree Celsius and wet bulb depression कितना है। wet bulb depression जो है, वेट बल्ब डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, वेट बल्ब डिप्रेशन दिया हुआ है 4 degree Celsius। हवा का वेट बल्ब टेम्परेचर पूछा हुआ है कितना होगा, ठीक है। अब हवा का वेट बल्ब डिप्रेशन किस तरह फाइंड किया जाता है, वेट बल्ब डिप्रेशन फाइंड करने के लिए, सॉरी मैं थोड़ा गंदे राइटिंग में लिख रहा हूं, वेट बल्ब डिप्रेशन फाइंड करने के लिए तरीका होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमें यहां पर ये चाहिए, ये वेट बल्ब डिप्रेशन दिया हुआ था 4 degree Celsius, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है 35 degree Celsius, माइनस ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर हमें चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसे यहां ले लेते हैं और ये 4 को ये तरफ ले लेते हैं, तो हमें वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा 35 degrees माइनस 4 degrees हो जाएगा। यहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर हमें मिलेगा 31 degree Celsius, जो यहां पर ऑप्शन बी है 31 degree Celsius।
तो तरीका ये होगा सिंपली स्पीकिंग, वेट बल्ब डिप्रेशन कैसे निकलता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को माइनस करके वेट बल्ब डिप्रेशन फाइंड किया जाता है। वही फॉर्मूला मैंने यूज करके ये दोनों को माइनस करके वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड किया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। बिल्कुल उसी तरीके से ये है, व्हाट इज द ड्यू पॉइंट डिप्रेशन ऑफ एयर इफ द ड्राई बल्ब एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर 36 डिग्रीज एंड 32 डिग्रीज। अगेन ड्यू पॉइंट डिप्रेशन के लिए आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 18th वाले का सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर ऑफ ए बी सी डी में आप देख सकते हो। कैन यू गेस द ऑप्शन प्लीज? यस, 18th वाले के लिए आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। 19th, द टूल यूज फॉर कटिंग थिन शीट्स ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज। ऐसा टूल जिससे हम पतली पतली मेटल की शीट्स को काट सके, ठीक है, पतरे वगैरह को काट सके, ये डायग्राम में वो टूल देख सकते हो आप, इस टूल का नाम क्या है? द आंसर इज स्निप, ठीक है, इसको स्निप कहते हैं। स्ट्रेट स्निप होती है, कर्व्ड स्निप होती है, राउंड अगर जॉब काटने हैं तो, ठीक है, इसको कहा जाता है स्निप, जो पतरा वगैरह थिन शीट्स मेटल की काटने काम आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। व्हाट इज द रीजन फॉर वॉटर ड्रिपिंग इनसाइड द एसी बस? ठीक है, एक एयर कंडीशन बस है, एयर कंडीशन बस में बस के अंदर पानी ड्रिप हो रहा है इंडोर यूनिट से, ठीक है, तो इसके लिए रीजन क्या हो सकता है? ए बी सी डी ऑप्शन आप आराम से देखिए। पानी लीक हो रहा है इंडोर में बस के, ठीक है, बस के अंदर पानी लीक हो रहा है एसी यूनिट से, तो आंसर क्या हो सकता है इनमें से? द आंसर इज ऑप्शन सी, पुअर इंसुलेशन। इंसुलेशन खराब हो गया होगा, ड्रेन पैन में स्वेटिंग हो रही होगी और वो स्वेटिंग का पानी बस के अंदर उतर रहा है, ठीक है, तो आंसर इज पुअर इंसुलेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्लज इन कार एसी? अगर कार एसी यूनिट के अंदर स्लज जमा हो चुका है, मतलब ट्यूबिंग वगैरह के अंदर स्लज कूड़ा करकट जमा हो चुका है, तो इससे प्रॉब्लम कहां होगा, क्या होगा? ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, चोक्स द ओरिफाइस ऑफ टीईवी, ब्लॉक्स द ओरिफाइस ऑफ एईवी, क्लोजेस द ओरिफाइस ऑफ टीईवी, क्लोजेस द ओरिफाइस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ऐसे तो ये एक्चुअली सारे के सारे आंसर सही है सिवाय इसके, ठीक है। अब गाड़ियों में आपको अगर स्लज जमा हो गया है, ठीक है, कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, तो आप इसमें जो चॉइस करो, ए बी या सी में से चॉइस करो, कौन सा ज्यादा सही है? द आंसर इज चोक्स द ओरिफाइस ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का ओरिफाइस जो है वो चोक कर देगा स्लज। द आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। यहां पर द फिगर शोज एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पार्ट्स मार्क्ड ऑन द फिगर? ये माइक्रोमीटर है, ये जो पार्ट वन एंड पार्ट टू है, इसके नाम आपको यहां से सिलेक्ट करने हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू को क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन बी, पार्ट वन को बैरल कहा जाता है एंड पार्ट टू को थिम्बल कहा जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंटरमिटेंट कूलिंग? इंटरमिटेंट मतलब थोड़ी देर तक कूलिंग होगी फिर रुक जाएगी, वापस थोड़ी देर तक कूलिंग होगी फिर रुक जाएगी, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट कूलिंग। तो व्हाट इज द रीजन फॉर इंटरमिटेंट कूलिंग साइकिल इन कार एसी? कार एसी में अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? कुछ देर तक कूलिंग मिलेगी फिर से बंद हो जाएगी, कुछ देर तक अगेन कूलिंग मिलेगी फिर से बंद हो जाएगी। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है, अगर मॉइस्चर होगा सिस्टम में तो इंटरमिटेंट कूलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ये मॉइस्चर जो है वो ओरिफाइस को ब्लॉक कर देता है आइस बनकर, तो बार बार ओरिफाइस बंद होने की वजह से ये इंटरमिटेंट कूलिंग का प्रॉब्लम आ सकता है मॉइस्चर की वजह से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग
2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन लो एंड हाई साइड ऑफ कार एसी सिस्टम। देखिए कार एसी में इतना प्रेशर है लो साइड पर भी हाई साइड पर भी। अब 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं इसको PSI में कन्वर्ट करूं आपके सामने, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर PSI में कन्वर्ट करूं मैं, तो ये होता है बराबर 14.22 PSI के आसपास। ठीक है, तो अगर 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं आपको कहूं तो ये तकरीबन होगा 35 PSI के आसपास। तो अगर लो साइड पर भी और हाई साइड पर भी 35 PSI प्रेशर है, तो इनमें से क्या रीजन हो सकता है? लो साइड एंड हाई साइड दोनों प्रेशर्स कम है, तो इनमें से क्यों हो सकता है ये? The answer is, can you guess please? The answer is option D. Defective compressor valve की वजह से high side का और low side का pressure दोनों एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक reason ये हो सकता है, defective compressor valve। चलिए बढ़िया आगे, next हमारा next MCQ, why both the gauges read abnormal high pressure while testing the car AC performance? हमने manifold लगाया car AC में, ठीक है, हाई साइड पर और लो साइड पर एक साथ में हमने मैनिफोल्ड की फिटिंग की है, और दोनों गेज, लो प्रेशर गेज और हाई प्रेशर गेज, दोनों गेज जो है वो ज्यादा प्रेशर बता रहे हैं, नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा बता रहे हैं, तो इनमें से क्या रीजन की वजह से दोनों गेजेस एबनॉर्मल हाई प्रेशर बताएंगे? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। द आंसर इज ऑप्शन डी, ज्यादा रेफ्रिजरेंट अगर हमने चार्ज की है, एक्सेसिव रेफ्रिजरेंट अगर हमने चार्ज की है, तो दोनों गेजेस ज्यादा प्रेशर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज, जो माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट, मतलब वो माइक्रोमीटर कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है सही सही। ठीक है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है ऑप्शन सी 0.01 मिलीमीटर, इतना माइक्रोमीटर इतना कम से कम मेजरमेंट कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द कॉज ऑफ बबल्स इन लिक्विड लाइन एट साइड ग्लास इन कार एसी? कार एयर कंडीशनिंग में जो लिक्विड लाइन में साइड ग्लास होते हैं उनमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है बबल्स दिखाई देने का? एक तो बबल्स दिखाई देने का रीजन हो सकता है कि गाड़ी में मॉइस्चर हो, कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मॉइस्चर आ चुका है, लेकिन मॉइस्चर का यहां पर कोई नहीं है ऑप्शन, तो हमें दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढना होगा। कैन यू सी प्लीज एंड गेस व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट, अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो भी लिक्विड लाइन में जो है बबल्स दिखाई देंगे रेफ्रिजरेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट आर द 3 प्रेशर एक्चुएटेड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज इन एन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर? ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में ऐसे कौन से 3 प्रेशर एक्चुएटेड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच यूज होते हैं जो सीरीज में लगाते हैं सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए? प्रेशर एक्चुएटेड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच मतलब ऐसे इलेक्ट्रिकल स्विच जो प्रेशर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी आप देख सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच जो सीरीज में लगाते हैं हम गाड़ियों में और जो प्रेशर के ऊपर काम करें। ठीक है, प्रेशर के ऊपर काम करना चाहिए। द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों प्रेशर एक्चुएटेड इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं जो गाड़ियों में लगते हैं गाड़ियों के एसी को कंट्रोल करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू, स्टेक्स आर यूज्ड फॉर बेंडिंग सीमिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ शीट मेटल। शीट मेटल के ऊपर, पतली मेटल की शीट्स के ऊपर काम करने के लिए ऐसे स्टेक्स यूज किए जाते हैं, हैमरिंग वगैरह करने के लिए, बेंडिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये जो यहां पर स्टेक है यहां पर बताया हुआ, इस स्टेक का नाम हमें पता करना है यहां से। कैन यू गेस प्लीज? द आंसर इज ऑप्शन सी। इस टाइप के स्टेक को ब्लो हॉर्न स्क्वायर स्टेक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, हमारा लास्ट एमसीक्यू है,
What is the function of magnetic clutch in an automobile air conditioner? ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में जो कॉम्प्रेसर के पास मैग्नेटिक क्लच लगता है उसका काम पूछा हुआ है. ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है. कैन यू गेस प्लीज. मैग्नेटिक क्लच का एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या काम है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टार्ट एंड स्टॉप द कॉम्प्रेसर इलेक्ट्रोमैकेनिकली. ठीक है, कॉम्प्रेसर को इलेक्ट्रोमैकेनिकली स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए हम मैग्नेटिक क्लच का यूज करते हैं. तो ये थे इस पार्ट के सभी एमसीक्यूज. आशा करता हूं आज का पार्ट आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा होगा तो प्लीज थोड़ा सा समय निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट कीजिए. जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए goodbye my dear students and thank you all my viewers.